खबर लखनऊ से है, जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शिक्षा आयोग के गठन के संबंध में प्रेजेंटेशन बैठक में हिस्सा लिया है। और इस दौरान सीएम योगी ने लोक सेवा आयोग उत्तर प्रदेश की नई वेबसाइट का भी शुभारंभ किया। बैठक में मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तर प्रदेश में एक ही आयोग से बेसिक माध्यमिक शिक्षा, उच्च और तकनीकी कॉलेज में शिक्षकों का चयन होगा। और इसी के साथ मुख्यमंत्री योगी ने एकीकृत आयोग के लिए दिशा निर्देश जारी करते हुए कहा कि नया आयोग ही टीईटी की परीक्षा करेगा। बैठक में सीएम योगी ने संस्कृत विद्यालय में विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति देने के लिए भी विभाग से प्रस्ताव की भी मांगा। और इसी के साथ मुख्यमंत्री ने निर्देश देते हुए कहा कि सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों के जीर्णोद्धार के लिए योजना तैयार करें। और इस दौरान सीएम योगी ने लोक सेवा आयोग को उत्तर प्रदेश की नई वेबसाइट का भी शुभारंभ किया।